लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा 11 बजे पुलिस के सामने होगा पेश। पुलिस ने शुक्रवार को जारी किया था दूसरा नोटिस। अजय मिश्रा ने अपने बेटे को बताया निर्दोष। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगातार तेज बारिश से पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, सड़कों पर तैरते नजर आए वाहन। महंगाई का जनता की जेब पर फिर पड़ा असर, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल के दाम 33 पैसे और एक लीटर डीजल के दाम 30 पैसे बढ़े। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आगरा में सपा का प्रदर्शन। पार्टी के शहर उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मोटरसाइकिल को पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना है। पुलिस ने शुक्रवार को ही दूसरा नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का समय दिया था। इस बीच लखनऊ में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका बेटा अस्वस्थ है और वो शनिवार को यानी कि आज पुलिस के सामने पेश होगा। अजय मिश्रा ने लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें कानून पर भरोसा है, मेरा बेटा निर्दोष है। उसे गुरुवार को नोटिस मिला लेकिन उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शनिवार को यानी कि आज पुलिस के सामने पेश होगा और अपने निर्दोष होने के बारे में बयान और सबूत भी देगा। ये पूछे जाने पर कि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, उन्होंने कहा कि विपक्ष तो कुछ भी मांगता है। इससे पहले आशीष मिश्रा के अब तक गिरफ्तार न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को यूपी सरकार को हाथों लिया था। कोर्ट ने पूछा था कि अगर आरोपी कोई आम व्यक्ति होता तो क्या उसके प्रति भी पुलिस का यही रवैया होता। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस को तेज कार्रवाई का निर्देश देते हुए ये संकेत भी दिए कि जांच किसी और संस्था को सौंपी जा सकती है। तो ऐसे में आज आशीष मिश्रा अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने वाला है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगातार तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। यहां देर रात तक कई हिस्सों में तेज बारिश हुई जिसके बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान दो लोग नाले में भी बह गए जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग हैदराबाद के निदेशक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कैसे हालात हैं इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बारिश का पानी ओल्ड सिटी के एक रेस्टोरेंट में घुस गया, साथ ही इस इलाके के कई घरों में भी पानी घुस गया है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के कई हिस्सों में बारिश के बाद भारी जलजमाव वाली सड़कों को पार करने के लिए लोग संघर्ष करते हुए नजर आए। वहीं इलाके के एसीपी के पुरुषोत्तम ने कहा कि भारी बारिश की वजह से नालों में पानी भर जाने से दो लोग बह चुके हैं और बचाव दल उनकी तलाश कर रहा है। इतना ही नहीं, बारिश के बाद सड़कों पर वाहन तैरते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीर देख सकते हैं बारिश के बाद हैदराबाद में कैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर भारी भारी वाहन कागज की तरह तैरते हुए नजर आए हैं। महंगाई का जनता की जेब पर डाका डालना जारी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज एक लीटर पेट्रोल के दाम 37 पैसे और एक लीटर डीजल के दाम 30 पैसे बढ़ोतरी हुई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आपके इलाके में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 84 रुपये के पार हो चुका है, जबकि एक लीटर डीजल की कीमत में 47 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली में आपको बता दें कि कल पेट्रोल की कीमत 103.45 पैसे थी, वहीं आपको डीजल की कीमत बता दें तो डीजल भी 92.12 रुपये पर मिल रहा था। वहीं कोलकाता की बात करें तो वहां पर एक लीटर पेट्रोल पर
52 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही एक लीटर डीजल पर 58 रुपए पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कोलकाता में कल एक लीटर पेट्रोल 104.23 पैसे पर मिल रहा था, तो वहीं एक लीटर डीजल 95.23 रुपए पर बिक रहा था। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक लीटर पेट्रोल पर 83 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल पर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 27 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, तो वहीं डीजल की कीमत भी अब 93 पैसे उसमें इजाफा हुआ है। हालांकि बता दें, पिछले साल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्कों और उपकर में भारी बढ़ोतरी की थी और इससे सरकार के राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि हुई थी और इस समय देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, तो वहीं कई राज्यों में डीजल भी शतक लगा चुका है। लगातार 4वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये इजाफा हुआ है। साथ ही ये मूल्य वृद्धि का सबसे लंबा दौर है जो अब तक चला आ रहा है। मथुरा के नगर निगम इलाके स्थित वार्ड नंबर 43 में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने राशन डीलर बलवीर सिंह की दुकान के सामने स्कूल में आयोजित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर वार्ड के सभासद सहित स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कोरोना के दौर में जिस तरह से लोगों को के रोजगार बंद हुए, उसके बाद लोगों के सामने पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाखों लोगों को फ्री 5 किलो गेहूं चावल के हिसाब से पर यूनिट दिया जा रहा था, ताकि गरीब व्यक्ति रात को भूखा न सो सके। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय बीजेपी नेताओं के सहयोग से वहां पर आई हुई महिलाओं को ऊर्जा मंत्री द्वारा खाद्य सामग्री वितरित की गई, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा गया कि मोदी जी और योगी जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री खाद्य योजना में राशन धारकों को फ्री राशन वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनको समझने का पूरा प्रयास भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ था, तो सब लोग, क्योंकि आज एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीब परिवार में जन्मा है और इसलिए लगातार गरीबों की वो चिंता करते हैं, तो गरीब के घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए। ये संकट जो आया कोविड का, इससे अपने गरीब परिवारों को उन्होंने बचाया, फ्री में वैक्सीन और फ्री में मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है, और जो भी जो गरीब कल्याण की योजना उसका लाभ सबको मिले बिना भेदभाव के, सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। भीमताल विधानसभा से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने पत्नी के साथ दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक राम सिंह कैड़ा ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो एक परिवार की तरह अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखती है। उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही राम सिंह केड़ा की पत्नी ओखल कांडा ब्लॉक प्रमुख कमलेश केड़ा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने कहा कि वो निर्दलीय विधायक हैं, कहीं भी जा सकते हैं। भीमताल में हमारे पास मजबूत लीडरशिप है और उनके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली में विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और ऐसे में निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में दिल्ली में सदस्यता दिलाई गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा की पत्नी ने भी बीजेपी का दामन थामा था कल ही। ये ठीक है, वो तो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी इच्छा है। चूँकि वहाँ पर हमारे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हमारे साथ लोग हैं, तो उनको यहाँ ये लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाके उनके
चुनाव जीतने की संभावना उन्होंने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, उन्होंने किया होगा, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। अमेठी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरीगंज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद गैर जनपद की सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक युवतियों ने अपने अपने योग्यता के अनुसार कई पदों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन भी किया था और कंपनियों की तरफ से अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी किया गया। साथ ही उनकी योग्यता का टेस्ट लेकर योग्य 100 बच्चों का चयन किया गया है, जबकि 225 बच्चे शामिल हुए थे। वहीं जिला सेवा योजना सहायक अधिकारी ने बताया कि 5 कंपनियां वहां पर पहुंची थी, जिनकी तरफ से करीब 800 पद हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। वहीं मेले में आए बेरोजगार लोगों ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और काफी दिक्कत थी, लेकिन इस रोजगार से हम लोगों को काफी फायदा भी होगा। जी, यहाँ लगभग 810 वैकेंसी है और 5 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। कितने लोगों में आपसे उम्मीद है कि जितने वैकेंसीज लेके ये लोग आई हैं कंपनियां, तो अधिक से अधिक बच्चों का रोजगार मिल सके, उम्मीद यही हम कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? सर, अभी तो शुक्र मेले की शुरुआत है, अभी संख्या देखी जाए तो लगभग 100-200 के लगभग संख्या है। यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, उस वजह से हम लोग जॉब के तलाश में आए हैं। रोजगार मेला यहाँ पे लगता रहता है, हम यहाँ से एक दो बार गए भी हैं। ये अच्छा अवसर है युवाओं के लिए कि यहाँ पर जो आते हैं अपना, कुछ लोगों को तो जाना पड़ता है, जाते हैं अपना रोजगार पा जाते हैं घर बैठे, कंपनियों में भटकना नहीं पड़ता इंटरव्यू के लिए, यही उनका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है। हमारे एक दो लोग गए भी हैं साथ के यहाँ से। सर, जॉब के लिए किस तरह का काम है यहाँ? सर, बहुत अच्छा काम है और जो है इससे बहुत सारे फायदे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब मिलेगी। और आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बड़ो बड़ा खुर्द में कच्चा मकान अचानक धराशायी होकर गिर गया, जिसके वजह से मकान गिर जाने से किसान के कच्चे मकान में बंधे हुए 4 पशु दब गए। कच्चे मकान में दब जाने की वजह से 2 भैंसों की तो मौत हो गई मौके पर ही और 2 भैंस गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि किसान भैंसों के सहारे से अपने जीवन और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तो वहीं राजस्व विभाग की टीम को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पशु चिकित्सकों टीम भी मौके पर पहुंच गई। राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम ने भैंसों के शवों का पोस्टमार्टम कराया और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। वहीं पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अचानक मकान गिर गया। हानि क्या हुई है? इसमें एक पड़ी है, एक भैंस मर गई। कितने पशु दबे थे? 4। 2 खत्म हो गए? 2 खत्म। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान की तो आज के ज़माने में जानते हो कि भैंस भी महंगी आ रही। अच्छा, आपने किसी को सूचना दी पुलिस को? हाँ, दी है। कोई मौके पर आया? कोई आए थे। कल रात को 8:15 बजे करीब ये तेजपाल सनोप गंगा सिंह, इनका एक कच्चा मकान था, इसमें पशु बंधे हुए थे 4-5, वो एकदम अचानक गिर गया, जिसमें गिरने से 2 भैंसों की और 1 बछड़े की मौत हो गई मौके पर। 2 को निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी भी स्थिति थोड़ी दयनीय है। जी, हमने SDM साहब को भी सूचना दी थी, लेखपाल महोदय, और जो सरकारी चिकित्सक हैं उनको भी सूचना दी थी, और थाने पे कोई मौके पहुंचा? हाँ, सब लोग आए। SDM साहब ने, हमने तो यही मांग यही है कि ये बहुत गरीब लोग हैं, इनकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जाए। कितना नुकसान हुआ? अब 2 तो भैंसें ही खत्म हुई हैं इनकी। अनुमान फिर भी कोई? आजकल भैंस आपको पता है 60-70 हज़ार रुपये से कम कोई भैंस नहीं आती है, एक तो दुधारू भैंस थी जिसमें। वहीं आगरा के थाना बहार क्षेत्र के अंतर्गत गांव रजपुरा में दरवाजे के पास जमीन पर पशु बांधने के विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने बेटे के साथ बड़े भाई पर रास्ता रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए घायल को भर्ती कराया है और साथ ही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार विजय गोपाल का आरोप है कि गुरुवार को वो अपने दरवाजे की जमीन पर बंधी हुई अपनी पशु भैंसों को लेकर जा रहा था,
था। तभी उनका छोटा भाई अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचा और उसका विरोध करने लगा, तो उस वक्त सभी ने दबंगई दिखाते हुए लाठी डंडे से पीछे से उस पर हमला बोल दिया, जिसके साथ मारपीट भी की गई और जमकर पथराव भी हुआ, जिससे उस वक्त सभी लोगों ने के हमले से पीड़ित जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएससी केंद्र बहा में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा घर का इलाज किया गया। साथ ही बता दें कि घायल व्यक्ति का उपचार जारी बताया जा रहा है, तो वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के शहर उपाध्यक्ष रिजवान रईस उद्दीन के नेतृत्व में शुक्रवार को एक मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। शहर के धौलपुर हाउस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डालकर आग के उसे हवाले कर दिया। वहीं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह अनोखा प्रदर्शन किया गया है, जो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान शहर उपाध्यक्ष रिजवान रईसुद्दीन ने बताया कि लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और शहर में पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है। सरसों का तेल भी 200 के आसपास है और शहर के लोग महंगाई की मार कब तक झेलेंगे। बीजेपी सरकार एक बेकार सरकार है और इस सरकार के नेता किसानों को दबाकर मार रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे कब तक लोग चुपचाप देखते रहेंगे। अगर पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई तो इसी तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई और पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल पर लगी आग को बुझा दिया गया। आगरा के शास्त्रीपुरम में एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला और आत्महत्या करने से पहले उस युवक ने वीडियो भी बनाया था। आपको बता दें कि मृतक ने अपने व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर उसे अपलोड भी किया था और कहा था उस वीडियो में कि पूरे होशोहवास में मैं अपने प्यार गन्नू के लिए ये सब कर रहा हूँ और सुसाइड कर रहा हूँ। वहीं वीडियो मिलने के बाद पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, लेकिन परिजन प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम का पूरा मामला है और युवक ने सुसाइड करने से पहले वीडियो जो बनाया था वो आपको भी दिखाते हैं। मैं नरेंद्र जादौन हूँ, मेरे प्यार के लिए मैं बन्नू, आज मैं अपने पूरे होशो आवास में सुसाइड कर रहा हूँ। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपने प्यार के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मेरा प्यार मुझसे चला गया, मैं जिंदा रह नहीं सकूँगा। इसलिए आज ये गुन्नू बहुत प्यारा मरने जा रहा है। मेरा इकलौता बेटा था, मेरा बेटे का दिसंबर के घर पर आना जाना था, ये साहिब से मैं बुला गया और साहिब से उसकी फांसी से मौत कर दी गई। मैं चाहता हूँ कि मेरे हमको न्याय मिले। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि ये तो सुसाइड ने अपने सुसाइड किया है। अब दूसरे घर पे आदमी अपने सुसाइड कैसे कर सकता है? सब उस औरत के यहाँ मिला है और दूसरे औरत के यहाँ मिला। बाराबंकी जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। आपको बता दें तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना से मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर अब मामले की छानबीन कर रही है। बता दें जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के नानक चरण पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बस्ती जिले के नया अमहट पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें पुणे से वहां पर आ रही बस इटावा सिद्धार्थनगर जनपद के तरफ जा रही थी और नया अमहट पुल पर पलट गई। इस बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, साथ ही रास्ते को खाली भी कराया था।
अभी तक इस हादसे में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती सहित कई थानों की फोर्स पहुंची और NH-28 गोरखपुर लखनऊ मार्ग खाली भी कराया गया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने बताया कि 11 लोग घायल हुए हैं, जो मामूली चोटें आई थी उन लोगों को उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। वहीं बस पर सवार सारे यात्री सुरक्षित हैं। जो यात्री घायल हैं उन सभी को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस्ती जिले के चर्चित बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद शोषण के मामले में न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के संत कुटी आश्रम डमरुआ में छत्तीसगढ़ से आई दो साथियों ने 19 दिसंबर 2018 को कोतवाली में बाबा के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ शारीरिक शोषण करने और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। बस्ती कोतवाली में बाबा के सहयोग बाबा सहित और उनके सहयोगियों के खिलाफ दो मुकदमे धारा 376 सहित मारपीट का दर्ज हुआ था। बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद 2018 से फरार था और ऐसे में बस्ती पुलिस ने बाबा और उनके सहयोगियों के खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। बस्ती पुलिस बाबा की गिरफ्तारी के लिए कई बार दिल्ली, गुजरात, बिहार, नोएडा, मुंबई, झारखंड जैसे प्रांतों में बाबा के आश्रम में छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन बाबा अभी तक फरार चल रहा था। ऐसे में बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बाबा की गिरफ्तारी एसटीएफ लखनऊ और बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुरादाबाद से की गई थी और साथ ही बताया गया था कि 2 जुलाई 2021 को जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो आईजी बस्ती मंडल ने बाबा के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था। ऐसे में एसटीएफ लखनऊ और बस्ती कोतवाली पुलिस द्वारा बाबा को बस्ती लाया गया और जेल भेज दिया गया था। वहीं जिला और सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रजनीश कुमार मिश्रा की अदालत ने बाबा सच्चिदानंद उस दयानंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे में साध्वी पक्ष के वकील जितेंद्र चौधरी ने बाबा की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया है। माननीय न्यायालय ने बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से बहस को सुनते हुए, सारी पक्षों को, दोनों पक्षों को अच्छे से सुनते हुए, पत्रावली पर उपस्थित सारे पत्रों का प्रशीलन करने के बाद विधिक माइंड का प्रयोग करते हुए बेल को निरस्त कर दिया। मामला ये था, बस्ती में एक संत कुटीर आश्रम के नाम से आश्रम चलता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संस्था है। कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के कई जिलों में इनकी संस्थाएं हैं। यहाँ का मुख्य जो बाबा था वो मुख्य अभियुक्त है सच्चिदानंद, उसके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं कि वह अपनी साध्वियों के साथ बलात्कार करता था और उसी के ही साध्वियों ने दिसंबर 2017 में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। उन्हीं मुकदमों के बारे में बेल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे कल न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार पंडा समाज का विरोध छेड़ रही सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, बल्कि बोर्ड के एक्ट में लिखी गई यदि किसी धारा से पंडा समाज को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा कि देवस्थानम बोर्ड के एक्ट को किसी ने भी सही तरीके से नहीं पढ़ा है और इसीलिए कुछ राजनीतिज्ञों के इशारों पर पंडा समाज विरोध कर रहा है। साथ ही एक्ट में किसी भी हक और किसी की भी हकूकधारी का हक छीनने का जिक्र नहीं है। ऐसे में देवस्थानम बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। बताया गया कि विरोध करने वाली समितियों को उन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए बुलाया है, साथ ही जल्द ही वो आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। वहीं मौके पर समिति के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। हमारे पास तो 3 महीने समय जी, 3 महीने में से 1 महीने कट गया है, व्यवस्था में 2 महीने बचे हैं। हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। अब बातचीत तो लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, सभी मिल गए, एक आध लोग छूट गए आने वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, जो छोटे मंदिर हैं जैसे चंद्रवर्णी है, अब हम भी आदमी भेजेंगे वहाँ, जैसे आपका वो गौरादी मंदिर वहाँ पर चौरास में राजा का,
छोटे छोटे मंदिर ना, जैसे आपका सैमुखे में, तो जिनको बहुत वो नहीं है क्या बन जाए तो ठीक, ना बने तो वहाँ हम तो अप्रोच करेंगे उनसे, कोशिश करेंगे कि दो महीने के भीतर सबसे बात हो जाए। मथुरा के गांव मानागढ़ी में प्राइमरी स्कूल अनेकों सालों से भगवान भरोसे चल रहा है। ग्रामवासियों के अनुसार बताया गया कि स्कूल के अध्यापक समय से नहीं पहुंचते हैं और ऐसे में बच्चों पर भी ध्यान नहीं जाता है। इसको देखते हुए निजी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं और इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसको देखते हुए सर्वेश चौधरी आमरण अनशन पर बैठे हैं और ऐसे में सर्वेश ने बताया कि आमरण अनशन जब तक किया जाएगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। सर्वेश ने प्राइमरी स्कूल के बाहर ही फर्श बिछाकर अपना अनशन जारी किया है और ऐसे में आमरण अनशन का समर्थन करने के लिए किसान यूनियन के नेता इंद्रपाल सिंह, राहुल, वीरेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, मंजीत सिंह भी वहां पर मौके पर शामिल रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।